नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल शर्मा और टेक स्टफ के एक और नए एपिसोड में मैं फिर से आप सब लोगों का तहे दिल से खुशी खुशी हार्दिक स्वागत करता हूं। हर बार की तरह अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट है 2827 का। एंड नाउ विदाउट वेटिंग एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाइस आज की टेक स्टफ शुरू करती है एक महंगी वाली न्यूज से। जी हाँ, एप्पल से शुरू करना चाहूंगा मैं आज की टेक स्टफ। तो यार आईफोन 13 सीरीज सितंबर 2021 के आसपास लॉन्च होने वाली है, बट अभी वेट कौन करे, मतलब इतना वेट कौन करे, लीक्स वगैरह निकलने शुरू हो चुके हैं। और एक लेटेस्ट लीक की अगर हम माने तो आईफोन 13 सीरीज में हमें एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। जी हाँ, एंड्रॉयड की दुनिया में ना हम लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 7,000 की रेंज में भी आजकल हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाती है, बट एप्पल के लिए बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट लीप है। एप्पल कह रहे डे टू लीप, और आपको आईफोन 13 सीरीज में हम एक टच आईडी भी देने वाले हैं। मतलब बटन नहीं होगा, ट्रूली अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा आईफोन 13 सीरीज में। अगर आपको नहीं पता, मैं आपको बता दूं, आईफोन 12 सीरीज जो है इसमें भी ओलेड पैनल था, बट स्टिल एप्पल ने डिच किया एक ट्रू अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को। खाली फेशियल अनलॉक मैकेनिज्म या फेस आईडी दी गई है आईफोन 12 सीरीज में। एंड गिवन द पेंडेमिक सिचुएशन, अगर आप बाहर जाते हैं ना घूमने के लिए, किसी मीटिंग वगैरह के लिए, आपने मास्क पहन रखा होगा और आपकी आईफोन 12 सीरीज को अनलॉक करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। गाइस मास्क खोल के ऐसे अनलॉक करो या जो पासकोड है उसको डालो, व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट। एक प्रीमियम फ्लैगशिप फोन आपने खरीद रखा है, सो बायोमेट्रिक्स भी आपको यहां पे प्रीमियम फ्लैगशिप लेवल के मिलने चाहिए। आईफोन 13 सीरीज में आपको हो सकता है अब बायोमेट्रिक्स ऐसे दोनों तरीके भी देखने को मिल जाए। सो यस, अगर आपने अभी तक अपनी आईफोन 12 सीरीज को खरीदने का सोचा है और खरीदा नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा और वेट कर लो, सितंबर में जाके सीधा सीधा आईफोन 13 सीरीज को खरीदना। और गाइस महंगी न्यूज से अब सीधा जंप करते हैं सस्ती न्यूज की तरफ। जी हाँ, itel ने इंडिया में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है। itel A47 स्मार्टफोन का नाम है। स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ ऐसा दिखता है ये स्मार्टफोन। 5.5 इंच की HD प्लस IPS LCD पैनल है, 1.4 GHz का क्वाड कोर यूनिसॉक प्रोसेसर, साथ में 2GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज, एंड्रॉइड 9 पाई गो एडिशन, डुअल सिम सपोर्ट, 5 MP का फ्रंट कैमरा, और पीछे भी आपको 5 MP का एक रियर कैमरा देखने को मिलेगा। सिंगल सिंगल कैमरा है दोनों ही तरफ। 3.5 mm हेडफोन जैक और हाइला 3000 mAh बैटरी। जी हाँ, itel A47 स्मार्टफोन में हमें एक 3000 mAh की बैटरी मिलती है। 5499 इसकी प्राइसिंग है। दो कलर वेरिएंट्स में उपलब्ध है स्मार्टफोन, आइस लेक ब्लू और कॉस्मिक पर्पल। और अगर आप इसको लेना चाहते हैं 5 February ऑनवर्ड्स amazon.in से आप itel A47 स्मार्टफोन को इंडिया में खरीद सकते हैं। कैसा लगा ये स्मार्टफोन आपको, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और गाइस ओप्पो ने कुछ टाइम पहले लॉन्च की थी अपनी ओप्पो रेनो 5 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स। चाइना में 3 स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे, रेनो 5, रेनो 5 प्रो, रेनो 5 प्रो प्लस। इंडिया में अभी के लिए रेनो 5 प्रो स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया गया है और बहुत तगड़ा स्मार्टफोन था। अगर आपने उसकी अनबॉक्सिंग को चेकआउट नहीं किया, कार्ड में लिंक लगा दूंगा, उसको भी जाके आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, कुछ अच्छा कीजिए, लाइक करना भी मत भूलिएगा। बट अभी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस, जो कि इस सीरीज का सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है, सबसे खतरनाक ढिंचैक वाला वेरियंट है, ये ग्लोबल मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। बिकॉज मुकुल शर्मा एके स्टफ्लिस्टिंग्स ने ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन को GCF सर्टिफिकेशन वेबसाइट, जो कि एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन वेबसाइट है, वहां पे स्पॉट कर लिया है। CPS2207 इसका मॉडल नंबर है, if I'm not wrong. So yes, अगर आप रेनो 5 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन के ग्लोबल लॉन्च का वेट कर रहे थे, अब ये स्मार्टफोन बहुत जल्दी ग्लोबल मार्केट में तो लॉन्च हो रहा है। अब देखते हैं इंडिया में ये स्मार्टफोन कब आता है। और गाइस कल शाम की टेक्स्टअप में मैंने आपको बताया था कि वीवो अपनी एक्स सीरीज के बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले, बहुत सारे से मेरा मतलब था 35-40 स्मार्टफोन मैंने आपको कल लीक करके बता दिए थे। बट आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीवो बहुत जल्दी एक नए एंट्री लेवल 5G स्मार्टफोन को भी लॉन्च करने वाला है। जी हाँ, इस स्मार्टफोन का नाम होगा वीवो Y31S। ये गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग पे लिस्ट हो चुका है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, कुछ ऐसा दिखेगा यह स्मार्टफोन। दिखने में बहुत ही एक मतलब अगेन यूजुअल सा स्मार्टफोन है। वीवो के बहुत सारे स्मार्टफोन इसी सिमिलर वाटर ड्रॉप नॉच वाले डिजाइन के साथ ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, बट यहां पे आपको Qualcomm Snapdragon 480 प्रोसेसर मिलेगा, 6GB रैम, साथ में आपको एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगी स्मार्टफोन में। और आउट ऑफ द बॉक्स डब्बे से निकालते ही Vivo के Y31S स्मार्टफोन में आपको Android 11 देखने को मिलने वाला है। सो यस, एक एंट्री लेवल काइंड ऑफ मिड रेंज ये स्मार्टफोन है, और ये स्मार्टफोन भी आपको मार्केट में बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। गाइस OnePlus ने कुछ टाइम पहले अपने OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, इन चारों स्मार्टफोन्स में OxygenOS 11 वाला ओपन बीटा जो अपडेट था उसको रोल आउट करना शुरू किया था। बट अभी के लिए अगर आप ओपन बीटा प्रोग्राम वगैरह में एनरोल नहीं करना चाहते, तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, इन चारों के चारों स्मार्टफोन्स में Android 10, OxygenOS 10 दोनों के दोनों स्टेबल फॉर्म में आपके स्मार्टफोन्स में रोल आउट होना शुरू हो चुके हैं। ऑफिशियल अपडेट है एज यूजुअल, एज आई ऑलवेज से, अगर आपके स्मार्टफोन में अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई ना, सेटिंग्स मेन्यू में जाओ, अपडेट
वाले बटन को जोर से दबा के आप अपने OnePlus 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro इन चारों स्मार्टफोन्स में से जो भी आप स्मार्टफोन चला रहे हैं उनको आप अपने OxygenOS 10 और Android 10 के लास्ट स्टेबल अपडेट के साथ अब अपडेट कर सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, जनवरी 2021 का लेटेस्ट जो एंड्रॉइड का सिक्योरिटी पैच है ये भी इस अपडेट के साथ आपको आपके स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। और गाइस कल शाम के टेक स्टॉप में एज आई सेड मैंने आपको बताया था कि Vivo के बहुत सारे स्मार्टफोन तो लॉन्च होने वाले हैं, बट एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि Vivo के लैपटॉप्स भी अब बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। Vivo बुक करके एक ट्रेडमार्क फाइल हुआ था मेरे हिसाब से 2020 के ना Q3 में, मैंने आपको बताया था उस टाइम पे टेक स्टॉप में, बट आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थी ना ये अब हो चुकी है पूरी और Vivo बुक एसएस फलानी Vivo की अपनी Vivo बुक या Vivo बुक जो है ये भी अब बहुत जल्दी मार्केट में लॉन्च होने वाली है। और गाइस कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिक्स का एक नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 स्मार्टफोन का नाम होगा। अब ये कितना स्मार्ट है ये तो हमें 7 फरवरी को पता चलने वाला है, बिकॉज यस इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है कि 7 फरवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, दिस इज व्हाट द इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 लुक्स लाइक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स में ये स्मार्टफोन अब बहुत जल्दी आपके हाथों में आ सकता है। ओके Samsung Galaxy S21 सीरीज ये पूरी की पूरी सीरीज जो है हम अनबॉक्स कर चुके हैं आपके लिए, आपको बता चुका हूं कि मैं S21 में क्या होगा, S21 Plus में क्या होगा, S21 Ultra में क्या होगा, और इन तीनों स्मार्टफोन्स के बारे में इनकी अनबॉक्सिंग वीडियोस में मैंने रिस्पेक्टिवली बोला था कि नया अपडेट जनवरी 2021 का सिक्योरिटी पैच वाला जो अपडेट है ये रोल आउट हो चुके हैं। बट अगर आप एक Samsung Galaxy S21 Ultra स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस महीने का दूसरा अपडेट, जी हां Samsung Galaxy S21 Ultra का जनवरी महीने का दूसरा मेजर एंड्रॉइड अपडेट जो है ये रोल आउट होना शुरू हो चुका है ऑफिशियली। इसमें बहुत सारे बग फिक्सेस हैं और एक और चीज मैंने नोटिस की कि यार जो बैटरी लाइफ थी ना दैट हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली आफ्टर दिस अपडेट। सो यस, अगर आप Samsung Galaxy S21 Ultra स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं या लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा Samsung ने एक महीने में दूसरा अपडेट रोल आउट कर दिया और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार Samsung आजकल अपडेट्स में एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये Samsung ने आई बिलीव पिछले कुछ मतलब टाइम से एक साल के आसपास से अपने पॉपअप सेल्फी कैमरा वाले स्मार्टफोन्स का ना लॉन्च करना बंद कर दिया। Samsung को कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि यार ये प्रॉफिटेबल स्मार्टफोन नहीं लगे या फिर सिक्योर स्मार्टफोन नहीं लगे, बहुत सारे मूविंग पार्ट से Samsung कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि ज्यादा संतुष्ट नहीं रहा और इसी के चलते पंच होल सेल्फी कैमरा वाले बहुत सारे स्मार्टफोन हमें Samsung की तरफ से देखने को मिले। बट अब Samsung ने एक नया पेटेंट फाइल किया एक बिजार स्मार्टफोन का। इसका जो पीछे की तरफ कैमरा है ट्रिपल कैमरा भी हो सकता है, डुअल भी हो सकता है, क्वाड भी हो सकता है और ये कैमरा कि जो लड़ी है ये बढ़ भी सकती है। कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, पीछे की तरफ जो कैमरा है वो सिलेंड्रिकल पॉपअप सेल्फी कैमरा होगा, मतलब जब आप सेल्फी कैमरा वाला बटन दबाओगे ना अपनी स्क्रीन पे ये घूम के बाहर निकल आएगा और रियर कैमरा जो मॉड्यूल्स हैं उनको आप एज अ सेल्फी कैमरा यूज कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट कोई बिल्कुल नया नहीं है, इट्स नॉट 100% न्यू कॉन्सेप्ट, बट ये एक अलग तरीके का सिलेंड्रिकल रोटेटेबल सेल्फी पॉपअप कैमरा वाला जो स्मार्टफोन है ये भी हमें Samsung की तरफ से अब जल्द ही देखने को मिल सकता है। कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट वैसे? मजा आया, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। ओके Xiaomi के बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, मैं आपको लीक करके बताता जा रहा हूं और एक्सक्लूसिव भी वैसे Xiaomi के कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन्स का जल्दी ही आने वाला है। बट अभी के लिए मैं आपको बताऊं कि Xiaomi एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च करने वाला है। जी हां, इस स्कूटर का नाम होगा मी इलेक्ट्रिक स्कूटर 3। पहले दो कब आए थे? बढ़िया, मी इलेक्ट्रिक स्कूटर 3 की अगर हम बात करें तो ये एशियन मार्केट में और हो सकता है प्रोबेबली इंडिया में भी हमें देखने को मिल जाए, बिकॉज इंडोनेशियन टेलीकॉम सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे Xiaomi का मी इलेक्ट्रिक स्कूटर 3 जो है ये भी सर्टिफाई हो चुका है। ठीक है, इसमें प्रिवेसी वगैरह का कोई कंसर्न नहीं आएगा, इसमें आपने बैठना है और इसको चलाना है। कोई प्रॉब्लम हो सकती है वैसे मी इलेक्ट्रिक स्कूटर 3 में प्रिवेसी के हिसाब से? और गाइस आगे बात करते हैं पोको की, बट आज का लीक जो है वो बताने से पहले मैं आप लोगों को दो बातें बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि आज पोको इंडिया का जन्मदिन है। जी हाँ, पोको इंडिया का आज बर्थडे है, जब से ये ब्रांड सेपरेट हुआ था एक साल हो चुका है उस चीज को हुए हुए, और उसके साथ स्टफ्लिस्टिंग्स आर्मी के एक मेंबर है अभिनव जी, उनका भी आज बर्थडे है। सो दोनों के दोनों लोगों को, पोको को और अभिनव जी को, मैं और पूरी की पूरी स्टफ्लिस्टिंग्स आर्मी जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां देती है। और पोको के लीक की अगर हम बात करें तो गाइस पोको X3 प्रो स्मार्टफोन बहुत जल्दी मार्केट में और इंडिया में तो लॉन्च होने वाला है। बट मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था ना कि पोको जो अब चाइना में भी जा रहा है, पोको के कुछ स्मार्टफोन्स अब चाइना में लॉन्च होने वाले हैं और वो विदाउट रीब्रांडिंग हमें इंडिया में देखने को मिलेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा था। और यस, फाइनली पोको की जो चाइनीज ट्रेडमार्क की वो जो रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस होती है ना वो हो चुकी है खत्म और पोको के बहुत सारे स्मार्टफोन अब आपको चाइना में और इंडिया में भी देखने को मिलने वाले हैं।
सो गाइस वीडियो में बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ, बट बिफोर दैट अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड वंस अगेन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यू कैन डू दैट राइट अवे। नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको दबाइए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना, सो दैट आपको हमारे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके बहुत ही अच्छे से डिवाइस पे मिलती रहे। और गाइस वीडियो खत्म करते हैं OnePlus के साथ। OnePlus Nord 2, OnePlus Nord SE ये दोनों स्मार्टफोन्स तो आने ही थे, बट यहां पे एक नया Nord स्मार्टफोन निकल के आ चुका है। इसका नाम होगा OnePlus Nord N1 5G। जी हां, OnePlus Nord N1 5G जो स्मार्टफोन है ये भी अब हमें आने वाले कुछ टाइम पे देखने को मिलने वाला है। Max J जो OnePlus के बहुत सारे लीक्स वगैरह करते हैं, उन्होंने क्लेम किया कि यार OnePlus 9 सीरीज का तो आप वेट कर रहे हो, करो, बट OnePlus Nord N1 5G ये स्मार्टफोन भी आपको मार्केट में अब कुछ टाइम पे देखने को मिलने वाला है। अब ये जो स्मार्टफोन होगा ना OnePlus Nord N1 5G, ये OnePlus Nord N10 का सक्सेसर होगा, समझ रहे हो? ये जो नंबर की गेम चल रही है ना, ये पता नहीं मेरे तो सोच के परे है, बट या N10 का सक्सेसर होगा N1, और ये भी कुछ महीनों में अब लॉन्च होने वाला है। देखते हैं OnePlus Nord N1 5G स्मार्टफोन क्या गुल खिलाता है, क्या स्पेसिफिकेशंस लेके आता है, और क्या ये इंडिया में आता है कि नहीं आता, ये तो आपको टाइम पे ही पता चलेगा। बट एक नया स्मार्टफोन, नया दिन, नई चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं, और मेरा काम है आपको बताना कि OnePlus Nord N1 5G स्मार्टफोन इज इंडीड इन द वर्क्स। और गाइस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बट उससे पहले देख लेते हैं कल का पोल। कल मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप रूटिंग और कस्टमाइजेशन की वीडियोस चाहते हैं, मतलब हमारे चैनल पे। मेरे से 83% लोग कह रहे हैं जी हाँ, 17% लोग कह रहे हैं नहीं, 17% लोग जो कह रहे हैं नहीं आई एम रियली सॉरी, वीडियो तो मैं बनाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे मेजोरिटी कह रही कि उनको चाहिए ये वीडियो। डेफिनेटली आपको जल्दी ही हमारे चैनल पे ये वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। और आज की वीडियो का पोल बहुत ही एवरग्रीन काइंड ऑफ पोल है, मतलब आपसे मैं पूछना चाहूंगा एंड्रॉइड वर्सेज iOS। एक मैं प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, एक मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं, आपको इन दोनों OS में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा बेटर लगता है, कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं। और वीडियो खत्म करने से पहले देखते हैं कल के बेस्ट कमेंट्स। आप लोगों के कमेंट हम लोगों को बहुत पसंद है, आज की वीडियो में भी कमेंट कीजिए, सो दैट आपके कमेंट्स में ऐसे ही टेक्स्ट स्टफ में फीचर करता रहूं। सो गाइस वीडियो करते हैं खत्म, उससे पहले देख लेते हैं कल के फाइन स्टाफ विन स्टाफ के विनर का नाम। कांग्रेचुलेशंस ब्रदर, आप जीत चुके हैं कल का फाइन स्टाफ विन स्टाफ। जल्दी से 24 घंटे के बीच में मेरे को डीएम कीजिए, थोड़ा आपको जो प्राइस है मैं आपको भेज पाऊं। और आज की वीडियो में भी कहीं ना कहीं मैंने एक क्लू को छुपा रखा है, फाइंड दैट स्टफ विन सम स्टफ। सो गाइस ये थी आज की सुबह की टेक स्टफ। आई होप आपको हर बार की तरह आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं शाम को फिर से टेक स्टफ के एक और तूफानी एपिसोड के साथ। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, फलते फूलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस, जय हिंद। रियर कैमरा है 3 जैसे, ओके फिर से एनडी बार स्मार्ट, ओके सेल्फी कैमरा मिलता था, नहीं फिर से कर लेंगे, ओके। और उसका जो बेल आइकन है उसको हर बार की तरह आपको, okay.